नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ स्टैंडर्ड के बारे में जो कि भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA और जो अनमैन एरियल कॉम्बैट व्हीकल है यानी कि UCAV घातक को लेके टेंडर इशू किए गए हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे घातक को लेके। तो घातक के एयरफ्रेम की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो एक टेंडर है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, वो इशू किया गया है, जहाँ पे घातक UCAV के लिए इस डॉक्यूमेंट में एड्रेस किया गया है एक्सपेरिमेंटल UAV के नाम से। तो जो एक क्लैरिटी है कि ये जो EOI है वो घातक है, वो आपको तब मिलेगी जो आप देखोगे कि जो स्ट्रक्चरल वेट है वो तकरीबन 3 टन का साइट किया गया है। और यहाँ पे भारत के जो प्राइवेट प्लेयर हैं उनके लिए ये EOI इशू किया गया है। EOI बेस्ड है, नो कॉस्ट नो कमिटमेंट पे। मतलब जो भी आपके प्राइवेट प्लेयर वेंडर होंगे उनको अपने पैसा इन्वेस्ट करके ये जो स्ट्रक्चर हैं उनको बनाने होंगे। यहाँ पे कुछ कंडीशन भी लगाई गई हैं कि वही प्राइवेट प्लेयर अप्लाई करें जिनके पास एक्सपीरियंस हो जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं उनको हैंडल करने का। तो अभी ये चीज़ क्लियर नहीं है कि ये घातक UCAV का जो स्विफ्ट वेरिएंट है जो कि स्केल डाउन मॉडल होने वाला था उसके लिए ये टेंडर है, या फिर जो फुल स्केल मॉडल है उसके लिए ये टेंडर है। क्योंकि जिस तरह की जो वेट कैटेगरी लग रही है, 3 टन के अराउंड जो वेट है वो स्ट्रक्चर का ही वेट है। लैंडिंग गियर और अदर इक्विपमेंट को जोड़ देते हो तो 1 से 1.5 टन और बढ़ जाएगा जो कि पहुंचेगा 4.5 के अराउंड। उसमें 1 टन जो इंजन का वेट है वो भी ऐड कर देते हो तो वो पहुंचेगा 5.5 टन के अराउंड। तो ये इसका एम्प्टी वेट हो जाएगा एक फुल स्केल मॉडल का। क्योंकि इस तरह के ही एक और प्लेटफॉर्म को कंपेयर करते हो जो कि फ्रेंच प्लेटफॉर्म है न्यूरॉन, तो न्यूरॉन का जो एम्प्टी वेट है वो 5 टन का है। तो यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो इसका एम्प्टी वेट हो जाएगा वो 5.5 टन हो जाएगा और न्यूरॉन का जो MTOW है वो 7 टन के अराउंड है। तो यहाँ पे आपका भी जो MTOW होगा वो 9 टन के अराउंड ही रहने वाला है, जिसके लिए कावेरी का जो ड्राई वेरिएंट है जो कि आपको देने जा रहा तकरीबन 60 kN का थ्रस्ट, तो वो पर्याप्त होगा। क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच न्यूरॉन में रोल्स रॉयस द्वारा बनाया गया 40 kN का इंजन लगाया गया है। सो अगर आपके घातक का जो MTOW है वो 8 to 9 टन के अराउंड रहता है तो हो सकता है जो प्रॉब्लम ये EOI है वो फुल स्केल मॉडल के लिए हो। अदरवाइज ये भी संभव है कि हो सकता है ये एक स्केल डाउन मॉडल के लिए जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो निकाला गया हो। लेकिन अभी ज़्यादातर संभावनाएं हैं वो फुल स्केल मॉडल की है। तो ये जो EOI है वो लास्ट मंथ निकाला गया था, जिसको लेके जो वेंडर का सिलेक्शन है वो इस मंथ के एंड तक कर लिया जाएगा। तो इस तरह के तकरीबन 12 मॉडल बनने जा रहे हैं घातक UCAV के। पहला मॉडल होगा आपका फेज 1 में जो कि एक प्रोटोटाइप होगा और इसमें जो कैपेबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी क्योंकि आप पहली बार एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जो फेज 1 में घातक का पहला मॉडल होगा वो लिमिटेड कैपेबिलिटी के साथ आएगा, जहाँ पर आप वेरीफाई कर रहे होंगे बहुत सारी तकनीक को। जो फेज 2 होगा उसमें 6 मॉडल बनाए जाएंगे और वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो भी ऐड किया जाएगा। और जो फेज 3 है वहाँ पर 5 मॉडल बनाए जाएंगे, 3 आपके फ्लाइट वर्दी होंगे और 2 आपके स्पेयर एयरफ्रेम होंगे। तो कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट के लिए जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो इशू किया गया है। बात करोगे AMCA के टेंडर को लेके, तो यहाँ पे AMCA के लिए 2 टेंडर इशू किए गए हैं। जो पहला टेंडर है जो कि एयरफ्रेम के लिए है और वहाँ पे जो AMCA के एनटेक को मैन्युफैक्चर और असेंबल करने के लिए जो EOI है वो इशू किया गया है जो कि प्राइवेट प्लेयर करने जा रहे हैं। और यहाँ पे जो पॉसिबली नो कॉस्ट नो कमिटमेंट का जो ऑप्शन है वो एक्सप्लोर किया है ADE ने। मतलब जो भी कॉस्ट होगी वो आपके वेंडर लगाने जा रहे हैं। MCAV को लेके एक और टेंडर इशू किया गया है जिसमें AMCA के अंदर जो भी एंटीना होंगे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए, तो उन एंटीना के प्लेसमेंट को लेके एक टेंडर इशू किया गया है कि AMCA के एयरफ्रेम में कहाँ कहाँ ये जो एंटीना है वो प्लेस किए जाएंगे। हम सभी जानते हैं कि AMCA एक 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, तो उसको देखते हुए जो भी एंटीना होंगे वो उसके बॉडी में ही छुपाए जाने हैं। तो उसके लिए भी जो एक टेंडर है वो इशू किया गया है। लेकिन यहाँ पे जो टेंडर का डॉक्यूमेंट है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। मतलब जो भी वेंडर इंटरेस्टेड होगा शायद उसको DRDO को मेल करना होगा पासवर्ड के लिए, जो कि कुछ हद तक सिक्योरिटी के लिहाज से सही भी है। तो ये तो रही बात AMCA को मैन्युफैक्चर करने को लेके। वहीं पे एक और टेंडर की बात करते हो जो है भारत के ही सुपरसोनिक टारगेट को मैन्युफैक्चर करने को लेके, यानी कि कंस्ट्रक्ट करने को लेके। तो ये जो सुपरसोनिक टारगेट होगा जो कि इस्तेमाल करेगा लिक्विड फ्यूल रैमजेट का, और ये जो लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन है उसको भारत ने डेवलप किया है इंडिजिनसली। तो सुपरसोनिक टारगेट की यानी कि स्टार को मैन्युफैक्चर करने के लिए ये जो टेंडर वो इशू किया गया है। यहाँ पे जो आपका स्टार मिसाइल होगा इसमें अगर आप वॉरहेड का इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये एक टारगेट के रूप में काम करेगा। और इसी के जो वेरिएंट होंगे जो कि इस्तेमाल किए जाएंगे क्रूज मिसाइल के रूप में, तो इसके लैंड वेरिएंट और एयर वेरिएंट दोनों बनाए जाएंगे, जहाँ पे इसकी जो स्पीड होगी वो 2.5 से लेकर 3 मार्क के बीच में रहने वाली है। और ये एक लंबी दूरी तय करने वाला क्रूज मिसाइल होगा। सो ये कुछ टेंडर इशू किए गए हैं और इन सभी की जो डेडलाइन है वो अक्टूबर नवंबर में ख़त्म हो रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।